पुलिस कई भैंस पानी में कोई वकील, ये तूने लाला को उस भवन के साथ क्यों भेज दिया? कसम काले कोट की विक्रम भैया, अब देखना कैसे ये वकील एक तीर से दो शिकार करता है। मैं उस चोर की रग रग से वाकिफ हूं, वो जरूर इस वक्त गांव से भागने की फिराक में होगा। एक काम कीजिए, भुवन के घर जाइए, वो न हो वो उसी की जीप में। अरे सुनो, वो रायता तो पकड़ा ना उधर से। अरे हाँ हाँ। अरे ये क्या कर रहे हो? मैंने रायता मांगा, तुम सब्जी पकड़ा रहे हो। ये लीजिए। मैडम खाने में सब ठीक तो लग रहा है आपको? जो भी रूखा सूखा था वो ले आया। अरे भैया जी, आप भी खा लेते? खाना बहुत अच्छा है, इनफैक्ट सब कुछ मेरी पसंद का है। अच्छा, तब तो फिर और लीजिए। अरे नहीं नहीं, आई एम फुल, मेरा हो गया बस। नहीं नहीं मैडम जी, आपको मेरे हाथ की बनी हुई ये खीर तो खानी ही पड़ेगी। अरे अरे वाह, इतनी अच्छी खीर मैंने बरसों बाद खाई है। अरे मिथिलेश भैया भी यही कहते हैं जब भी मेरे हाथ की बनी हुई खीर खाते हैं। मिथिलेश ये वो ही है ना जो CSC में काम करते हैं? हाँ। काफी सुना है इनके बारे में। मिथिलेश भैया बहुत अच्छे आदमी हैं। जब से इस गांव में आए हैं तब से बहुत सारे लोगों की समस्याएं उन्होंने अपने कंप्यूटर से सुलझाई है। अरे बहुत ही शरीफ और मिलनसार भी है, कभी किसी से ऊंची आवाज में बात करते नहीं सुना। अरे छोटा हो चाहे बड़ा, कोई भी हो, मजा ले कि किसी के काम को ना कर दे। हाँ, मैंने भी मिथिलेश को बेगुनाह आदमी के लिए पुलिस से लड़ते हुए देखा था। हाँ जी मैडम जी, मैंने भी मिथिलेश भैया को कभी भी किसी की मदद करने से पीछे हटते नहीं देखा, लेकिन पिछले कुछ दिनों से बहुत परेशान रहते हैं। बात ही कुछ ऐसी है। क्यों, क्या हुआ? अरे वो सरपंच जी की बिटिया थी ना, उनकी और मिथिलेश भैया की बहुत अच्छी दोस्ती थी, दोनों साथ में काम करते थे। हाँ। अब जब से टुकनी गई है मिथिलेश भैया बहुत कम बोलते हैं, पता नहीं बैठे बैठे क्या सोचते रहते हैं। बीबी जी झाड़ू पोछा हो गया, कपड़ा धो दे। नहीं बिंदु, कपड़े रहने दो, ये डस्टिंग कर दो ना, देखो ना टेबल पर कितनी मिट्टी है। ठीक है बीबी जी। अरे संभाल के बिंदु, बड़ी सुंदर फोटो है बीबी जी। किसकी है ये फोटो? ये मेरी माँ की है। हाँ हम भी वही सोच रहे थे कि जरूर बीबी जी की माँ होंगी। आपका नाक नक्शा ना बिल्कुल अपनी माँ पे गया है। मेरी फैमिली भी मुझे कार्बन कॉपी बुलाती थी माँ की। आपके साथ नहीं आई माँ जी? आती ना तो हम उनकी भी खूब सेवा करते। मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है, एक एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई थी। अब बस मैं और पापा ही हैं। अब वो है मेरे पापा। बड़े रौबदार हैं आपके बाबूजी। यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे पापा, अंग्रेजी पढ़ाते थे।
सब स्टूडेंट्स उनकी बहुत इज्जत करते थे और डरते भी थे, सबकी क्लास बंक कर लेते थे, पर इनकी क्लास बंक करने का कोई सोचता भी नहीं था। ऐसे क्या देख रही हो बीबी जी? ई ब ब बंक का होता है बंक? क्लास से भागना। हाय राम, आप भी पढ़ाई से भागती थी? नहीं बीबी जी, ये तो अच्छी बात नहीं है। पढ़ाई लिखाई करते हैं तभी तो बड़े साहब बनते हैं। हम भी ना एकदम बेवकूफ हैं। अरे आप तो पहले ही से बड़ी साहब हैं, तभी तो गांव में सब लोग आपकी खूब तारीफ कर रहे थे। अच्छा, क्या कह रहे थे? आपने लाला को अंदर करा दिया ना, बहुत चोर आदमी था। बहुत गड़बड़ हो रही थी ना, गरीबों की मदद करने के लिए सरकार कम कीमतों पर राशन देती है और ये लोग उसमें भी चोरी कर रहे थे। तो अब क्या हम लोगों को भी सस्ते में राशन मिलेगा? हाँ बिल्कुल, बीपीएल कार्ड तो होगा ना तुम्हारे पास? कैसी बात कर रही है बीबी जी, हमारे पास कोई कार्ड आर्ड नहीं है, हमारा नाम तो लाला के रजिस्टर में भी नहीं है। आप कह रही है सस्ता राशन, हमसे तो उल्टे और ज्यादा पैसा मांगता है, और जब दाम देने को नहीं होता ना तो साहब लोग की चुटन के लाके अपने बच्चों को सुलाना पड़ता है। यकीन नहीं हो रहा कि मैं उस आदमी से बात कर रही हूं जो जो हर प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। मैंने तो सुना था आप अपने माउस के क्लिक से लोगों को गवर्नमेंट तक पहुंचा देते हैं। माफ कीजिएगा मैडम, मुझे ये सब बात समझ में नहीं आती। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि सिस्टम करप्ट है, और सिस्टम करप्ट इसलिए है क्योंकि सिस्टम बनाने वाले करप्ट हैं। राशन कार्ड हो बनवाना, अब दूर नहीं पड़ेगा जाना। ये देख मिल गया। बर्थ सर्टिफिकेट करना हो हासिल, अब इसमें कुछ नहीं है मुश्किल। खसरा खतौनी की नकल हो निकलवानी, अब नहीं होगी कोई परेशानी। जानना हो परीक्षा का परिणाम तो चुटकियों में बन जाएगा काम। पासपोर्ट के लिए करना हो अप्लाई, लंबी लाइन को कहो गुड बाय। अब हक से करवाएं अपना काम, सेवाओं के लिए कॉमन सर्विसेज सेंटर पर जाएं, इंटरनेट से लॉगिन करें या मोबाइल से एक्सेस करें। अब आप सारी सरकारी सेवाएं आसानी से पाएं, नेशनल ई गवर्नेंस योजना का लाभ उठाएं। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना, एक कदम आपकी ओर, एक कदम आपके लिए। Excuse me, पहलवान जी से मिलना था। आप बैठिए, वो आते होंगे। Hi मिथिलेश, हम पहले मिल चुके हैं। Let me introduce myself. मैं साक्षी मोहन। हमारी नई BDO। आप तो दिल्ली से है ना, फिर यहां कैसे? बस यहां का मौसम अच्छा लग गया इसलिए। आई होप आई एम नॉट डिस्टर्बिंग यू। नो 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 मैडम, You have all the right to disturb anybody. बड़ी अफसर हैं आप, पब्लिक से जो पूछेंगी उन्हें जवाब तो देना ही पड़ेगा। मैंने सुना है आप लोगों की बहुत हेल्प करते हैं,
किसी की जमीन की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी तो किसी को लोन दिलवा दिया? नहीं मैडम, ऐसा कुछ नहीं है। गवर्नमेंट की पॉलिसीज है, मैं सिर्फ लोगों को बताता हूँ। और वैसे भी सबसे होता क्या है, सिस्टम में इतने लूप होल्स हैं, आप जो मर्जी कर लीजिए। आई अग्री टू अ सर्टेन एक्सटेंट मिथिलेश, बट व्हेन अ पॉलिसी इज इंप्लीमेंटेड इट विल नॉट वर्क जब तक लोगों में अवेयरनेस नहीं होगी, जब तक लोगों को उन पॉलिसीज के बारे में बताया नहीं जाएगा। मैं खुद यहाँ के पीडीएस सिस्टम को ठीक करने की कोशिश कर रही हूँ, बट लोगों के पास उस लिस्ट को ठीक करने के खुद के आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स तक नहीं है। और आपको लगता है कि एक अनपढ़ गरीब आदमी की गलती है अगर उसके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो? मैडम, आई एम श्योर आप जानती होंगी कि हमारे देश में पहचान पत्र बनवाना कोई लॉटरी लगने से कम बात नहीं है, और ये वो पहचान पत्र है जो गवर्नमेंट कहती है कि आम आदमी का हक है। यकीन नहीं हो रहा कि मैं उस आदमी से बात कर रही हूं जो हर प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। मैंने तो सुना था आप अपने माउस के क्लिक से लोगों को गवर्नमेंट तक पहुंचा देते हैं। माफ कीजिएगा मैडम, मुझे ये सब बात समझ में नहीं आती। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि सिस्टम करप्ट है, और सिस्टम करप्ट इसलिए है क्योंकि सिस्टम बनाने वाले करप्ट हैं। आई एम सॉरी मैडम अगर आपको बुरा लगा तो, बट आई होप यू अंडरस्टैंड। यस आई डू अंडरस्टैंड मिथिलेश, बट वीडियो साहिबा, माफी चाहता हूं, मुझे खबर मिल गई थी कि आप मुझसे मिलने आ रही हैं। मैं फिर भी समय पर नहीं पहुंच पाया, उसके लिए क्षमा चाहता हूं। इसने कोई उल्टी सीधी बात तो नहीं की आपसे? अगर की हो तो इसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूं, आजकल जरा चिड़चिड़ा रहता ही है। नहीं नहीं, बल्कि मिथिलेश से बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। आई रादर एंजॉयड द डिबेट। कभी टाइम हुआ तो मैं इसे कंटिन्यू जरूर करना चाहूंगी मिथिलेश। पहलवान जी, मुझे आपकी एक हेल्प चाहिए, प्लीज चलिए मेरे साथ। आइए मैम। मिथिलेश, वन लास्ट थिंग, करप्शन की ताली दोनों हाथों से बजती है। ब्राइब लेने वाला भी करप्ट होता है और देने वाला भी। और एक बात, करप्शन फ्री सोसाइटी सिर्फ आम जनता नहीं चाहती है, बल्कि गवर्नमेंट में बैठे ऑनेस्ट ऑफिसर्स भी चाहते हैं। एंड आई होप यू अंडरस्टैंड। आप लोग मेरे साथ इन नर्मदा सिंह के घर चल सकते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं मैडम, पर उससे होगा क्या? आप आइए मेरे साथ। ठीक है मैडम, चलिए। देखिए, अगर आप लोग कुछ भी छुपा रहे हैं तो अभी बता दीजिए, क्योंकि मैं इस बारे में इंक्वायरी ऑर्डर कर रही हूँ। और जांच के बाद तो सब सामने आ ही जाएगा। आज पता लगा के ही लौटना। अरे मोहन, खसरा खतौनी की नकल लेने जा रहे हो या किसी जंग के मैदान में? अपने गांव में बने कॉमन सर्विसेज सेंटर जाओ और तुरंत पता कर लो बस। कॉमन सर्विसेज सेंटर, ये क्या होता है? गांव-गांव में बने कॉमन सर्विसेज सेंटर या सार्वजनिक सेवा केंद्र इंटरनेट के जरिए काम करते हैं, जहां कृषि, स्वास्थ्य या रोजगार जैसी अनेकों जानकारियां और समाधान पा सकते हैं। तो महाबली मोहन, अपनी बहादुरी खेतों के लिए बचा के रखो। चलो पापा, अब मेरा होमवर्क कराओ। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस प्लान, बनाए लाइफ आसान।
मैडम ये गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों की सूची मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही। क्यों, क्या हुआ? मेरे अखाड़े में काम करने वाला भूरेलाल गरीबी रेखा से नीचे है मैडम, पर उसका नाम तो सूची में है नहीं। हाँ चाचा, और ये नदी के पास रहने वाले समता, जोगी, भूरी, गोपाल, नेकराम, उनका किसी का भी नाम इस लिस्ट में नहीं है। और ये अशोक कुमार कौन है? ये नाम तो कभी इस गांव में सुना ही नहीं। और ये देखिए चाचा, ये नर्मदा सिंह, ये तो अच्छे खाते पीते घर से हैं, 50-60 बीघा जमीन है, हवेली है, गाड़ी है, और मैडम जी उसका नाम इस लिस्ट में लिखा हुआ है। आप लोग मेरे साथ इन नर्मदा सिंह के घर चल सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं मैडम, पर उससे होगा क्या? आप आइए मेरे साथ। ठीक है मैडम, चलिए। तो आप ये मानते हैं कि आप बीपीएल नहीं है? बीपीएल? अफसर जी, इस नाम का रेडियो कुछ दिन पहले ही लाया था लड़का, अब तक तो टूट फूट गया होगा। नहीं, मेरा मतलब है कि आप ये मानते हैं कि आप गरीबी रेखा से नीचे वाले लोग नहीं है। उतार के चार जूती ना मार दूंगी उसको, पूरे गांव में जो ये कह दे कि हम गरीब है। अरे तो चुप नहीं रह सकती कुछ देर? देखिए अफसर साहब, हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता। आप लोग सच बोल रहे हैं? देखिए, अगर आप लोग कुछ भी छुपा रहे हैं तो अभी बता दीजिए, क्योंकि मैं इस बारे में इंक्वायरी ऑर्डर कर रही हूं। और जांच के बाद तो सब सामने आ ही जाएगा। देखिए इनकी तबीयत खराब हो रही है, बाकी की बातें आप बाद में कर लेना। चलिए जी, अंदर चल के आराम कर लीजिए। तो सच कह रही है बिंदु? अरे तबस्सुम बहन, झूठ बोलना तो मुझे आता ही नहीं है। तो तेरा मतलब है वो राशन वाला ट्रक तेरी वजह से पकड़ा गया? तब क्या। अरे लेकिन हमने तो सुना था कि वो वीडियो मैडम ने। जी हाँ, बड़ी आई वीडियो साहिबा। अरे मौसी, वीडियो साहिबा अभी नई नई तो आई है किशनगढ़ में, उन्हें क्या पता यहाँ गांव में काफिया पाचा हो रहा है। तो मेरी समझदारी थी, सारे ट्रक पकड़े गए। अच्छा बिंदु, शुरू से बताना कि हुआ क्या था। ठीक है मौसी, सुन लो पूरी बात। हुआ यूं कि सब तो मुझे पहले से ही था, फिर मैंने अपनी बुद्धि लगाई, मैंने सोचा कि हो ना हो कोई तो है जो ये सारा राशन गायब करवा रहा है। फिर क्या हुआ? फिर मैंने अपनी जासूसी शुरू कर दी, तब पता चला कि ये तो बहुत बड़ा गिरोह है जो रास्ते से ही सारा राशन गायब कर रहा है। फिर? अरे फिर क्या होना था, मैं सीधे पहुंची बीडीओ साहिबा के पास और जाके सीधे कह दिया कि देखो बीडीओ साहिबा, अबे आराम आराम करने का वक्त नहीं है, कुछ करना होगा, क्या कहते एक्शन लेना पड़ेगा। फिर बीडीओ साहिबा आजकल करने लगी। फिर मैंने कह दिया कि आजकल का कोई चक्कर नहीं है, जो होगा अभी होगा। अच्छा बिंदु एक बात बता। हाँ पूछना। हमने सुना है कि इन सब में लाला का भी हाथ है। अरे रुपया में 100 पैसा। अच्छा तो फिर अब तुम लाला का क्या करोगी? करना क्या है, उसे कुत्ते से पकड़ोगे, लेकर आऊंगी सामने रखूंगी। क्यों
क्या कहोगी बिंदु? क्या कहूंगी? कहूंगी कि यही कहूंगी कि गलती हो गई, माफ कर दो। क्या देख रही तुम लोग, ये काम धंधा नहीं है, है? जाओ अपने घर, बस चली आई पकलौली करने में। अरे जाओ यहाँ से। मैं तो इन सब लोगों से आपकी तारीफ कर रही थी। अच्छा, सब सुन लिया मैंने। सर, मैंने जो अब तक देखा है उससे ये बात क्लियर हो जाती है कि किशनगढ़ के पीडीएस सिस्टम में बहुत इरेगुलरिटीज हैं। तो आपने इन इरेगुलरिटीज को हैंडल करने के बारे में क्या सोचा है? सर, मैंने अपनी रिपोर्ट्स में सब मेंशन किया है। सर, हमने डिपो से चलने वाले ट्रक्स को भी ट्रैक करके ये पता लगा लिया है कि राशन कहीं बीच में ही उतरता था। ओके। कुछ लोगों को हमने पुलिस कस्टडी में भी लिया है, पर सर प्रॉब्लम लिस्ट में है, लोगों के फर्जी नाम लिखवाए गए हैं। तो क्या किशनगढ़ में लोगों को राशन कार्ड इशू नहीं हुए हैं? हुए हैं सर, पर आज भी बहुत लोग हैं जिनके पास राशन कार्ड नहीं है। बीपीएल स्कीम में जो सस्ता अनाज आता है वो लोगों तक पहुंचता ही नहीं है जिन्हें मिलना चाहिए, क्योंकि उन लोगों के नाम लिस्ट में ही नहीं है। कागजों के हिसाब से वो लोग बीपीएल है ही नहीं। और सर, जब तक लोगों की सही पहचान नहीं होगी तो उन्हें राशन कहाँ से मिलेगा? उसके लिए तो आपको पीडीएस का डेटाबेस क्लीन करना होगा। आई नो सर, पर सर मुझे लगता है कि अगर सबके पास आधार नंबर हो तो सबकी आइडेंटिटी क्लियर हो जाएगी, और आधार नंबर आते ही हम लोग डेटाबेस क्लीन भी कर सकते हैं। गुड आइडिया साक्षी, विलेज में आधार कैंप ऑर्गेनाइज हो जाएगा। थैंक यू सर। आप बोल रही है? वकील साहब, गायक हो गई थी मेरी, खो क्या गई थी, चोरी कर ली कट्टू लाल ने। ये कट्टू लाल कौन है? पड़ोसी है मेरा, जलता है मुझसे। 12 किलो दूध देती है जी मेरी गाय रोज, बस बर्दाश्त नहीं हो उससे। ये लंबी पूरी पूंछ थी जी उसकी, और मैं सच बता रहा हूँ, 12 किलो रोज दूध देती थी वो। क्या 12 12 12 12 लगा रखा है? कभी कटोरे में भी भर कर दूध लाया अपने वकील बाबू के लिए? जब खो गई तो लगा छाती पीटने। चल एक काम कर, निकाल 500 रुपए। अबे कोर्ट में केस लगेगा, जिरे होगी, फैसला आएगा। 500 रुपए में फैसला हो जाएगा? अबे गाय की पूंछ 500 रुपए में तो अर्जी दूंगा, अर्जी। और फैसला आने तक तो $8,000 तो हल्के कर, बाकी बाद में दे दियोला। अबे भाग यहाँ से। अरे इसे छोड़, तू मेरी बात सुन, वो बीडीओ कोई नया पंगा फंसाने वाली है शायद। अभी वो पंचायत घर में कुछ कागज पत्थर छांट रही थी, कुछ फाइलें भी उठाकर ले गई अपने साथ। तो मैं क्या करूं विक्रम भैया, जाकर फाइलें चुरा लूं या पंचायत में जाकर बिस्तर लगा लूं कि कोई आए जाए नहीं, क्या करूं बताओ? तेवर किसको दिखा रहा था? मेरे कहने का मतलब ये था विक्रम भैया कि अभी तो सिर्फ हवा ही उड़ी है, जब कुछ होगा तब देखेंगे। हुजूर, वीडियो मैडम ने गांव भर की मीटिंग बुलाई है। ले लकड़ी लाकर रखी नहीं कि आग लगने की खबर भी आ गई। इसीलिए आधार होता है आपकी अपनी एक खास पहचान उम्र भर के लिए, और इसको बनवाने के बाद कोई भी आपका हक नहीं मार सकता, कोई भी नहीं। लेकिन एक आदमी 10 आधार बनवा के 10 पहचान भी तो रख सकता है। लग तो वही रहा है, किशनगढ़, राम नरेश, वकील, किशनगढ़। हाथ पकड़ लो साथ चले हम राह चले दिन रात चले। हाथ पकड़ लो साथ चले हम राह चले दिन रात चले। हाथ पकड़ लो साथ चले। हाथ पकड़ लो साथ चले। हाथ पकड़ लो साथ चले हम राह।
समझोगे बिजली की रफ्तार से तुम सीने हम तक पहुंचोगे बिजली की रफ्तार से तुम हाथ पकड़ लो साथ चले हम राह चले दिन रात चले हाथ पकड़